बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम हमजा नुमान, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन बायोलॉजी एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आई वेलकम यू टू DPS डिजिटल क्लासेस। आई विल टीच यू बायोलॉजी क्लास 9। लेट्स मूव टू आवर टुडेज लेक्चर। टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। टॉपिक्स ऑफ टुडे इंक्लूड सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर वी विल फर्स्ट डिस्कस द कंटेंट्स। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेल और उसके अंदर स्पेशली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारे लेक्चर को रिकैप करेंगे, उसको समराइज करेंगे। इसके बाद हम MCQs जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड आई विल गिव यू एन असाइनमेंट एज योर होमवर्क। हैव अ लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफाइन सेल एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर के एंड पे, यानी इस लेक्चर को मुकम्मल पढ़ने और समझने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप सेल और इसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन सेल वॉल, आप सेल वॉल को डिफाइन करने के अहल होंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर बता सकेंगे। डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस लेक्चर के एंड पे आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताने के काबिल हो जाएंगे। स्टेट रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, आप साइटोप्लाज्म का फंक्शन बताने के अहल होंगे। Now it's time to recall the plant and animal cells structures. Look, there is a plant cell. You must notice that chloroplast, cell wall and plasmodesmata are present in the plant cell. And now it's an animal cell. You must notice here that centrioles are present there. There is no cell membrane, no plasmodesmata are present here. We will now start our first topic. That is cellular structures and functions. We should first know the meaning of cellular structures. यानी ऐसे structures जिनसे मिलकर cell बना होता है वो cellular structures कहलाएंगे, और उनके functions को भी हम यहाँ देखेंगे। Cell, पहले हम cell की बात करते हैं कि cell है क्या। A cell is made by the assemblage of organelles. आपको पता है कि different organelles मिलकर एक cell की formation करते हैं। There are some structures in the cell that are not organelles but are still very important. Cell के अंदर काफ़ी सारे organelles होते हैं जो cell की formation में अपना role play करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी structures होते हैं जो कि organelles नहीं हैं लेकिन फिर भी cell के लिए बहुत important हैं। Composition, आइए cell की composition के बारे में जानते हैं कि cell किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अभी हमने बात की कि सेल ऑर्गेनल्स से मिलकर बना होता है, और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनल्स तो नहीं है लेकिन सेल के लिए फिर भी ज़रूरी हैं। आइए कंपोजिशन की जानिब बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पे कॉलम है उसमें ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, और राइट साइड पे कॉलम है उसमें नॉन ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि ऑर्गेनल तो नहीं है लेकिन सेल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। ऑर्गेनल्स काफ़ी सारे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए हैं। दैट आर राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, मेटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द नॉन ऑर्गेनल्स आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। टाइप्स, अब हम सेल की टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिकॉलिंग। टाइप्स, अब हम सेल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एबसेंट इन अ पर्टिकुलर सेल। First we will talk about the prokaryotic cell. There is no nuclear membrane and the genetic material is freely floating in the cytoplasm. अब ऐसे cells जिनके अंदर nucleus present ना हो या nuclear membrane present ना हो, उनका genetic material cytoplasm के अंदर freely float कर रहा होता है, यानी cytoplasm के अंदर तैर रहा होता है, क्योंकि उसके पास
प्रॉपर स्पेस यानी न्यूक्लियस नहीं होती। ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द सेकेंड टाइप इज यूकैरियोटिक सेल। देयर इज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन है। चूंकि यहाँ न्यूक्लियस एक खास ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए भी उसी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, उसे आप कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे कि सेल बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सेल्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर विद इन अ लिविंग बींग। एक जानदार के अंदर उसकी बॉडी में हर जगह पे सेल्स पाए जाते हैं, यानी उसकी बॉडी का हर पार्ट सेल से मिलकर बना हुआ है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सर्टन टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन हैव न्यूरोन्स दैट आर द सेल्स ऑफ ब्रेन। आइज हैव रोड एंड कोन सेल्स। बोन हैव ऑस्टियोसाइट्स। मसल्स हैव मसल फाइबर्स। यानी ब्रेन, आइज, बोन्स, मसल्स के सेल्स की हमने बात की कि ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। बॉडी के हर पार्ट में कुछ ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। द सेल्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स ऑफ अदर पार्ट्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल का फंक्शन क्या है। सेल लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जैसे हमने पहले बात की कि बॉडी के हर पार्ट में सेल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अब आपका घर है, उसमें किसी एक कमरे की कोई एक दीवार आप सपोज कर लें। अब एक दीवार के अंदर काफ़ी सारे ईंटें यानी ब्रिक्स लगी हुई हैं। उन ब्रिक्स को आपने एक खास पैटर्न में अरेंज किया है और उनकी अरेंजमेंट के बाद एक वॉल की फॉर्मेशन हुई है। सेम एज दैट ऑफ ब्रिक्स, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स उन्हीं ब्रिक्स की तरह ही स्पेशल अरेंजमेंट्स में अरेंज हैं और लिविंग बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करते हैं। सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू मेटाबॉलिज्म। सेल्स आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मेटाबॉलिज्म कहा जाता है कि जो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन्हें आप कलेक्टिवली एक टर्म में बयान करें तो वो टर्म होती है मेटाबॉलिज्म। आप खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट होता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। ये सारा प्रोसीजर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सेल्स फैसिलिटेट इन ग्रोथ थ्रू सेल डिवीजन। अब सेल डिवाइड भी करते हैं और जब डिवीजन होगी तो आपकी बॉडी में ग्रोथ आएगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी बॉडी में सेल्स की तादाद कम होती है, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होती है उसकी बॉडी में इंक्रीज आना शुरू होती है। बिकॉज द सेल्स आर इंक्रीजिंग इन द बॉडी एंड द हाइट ऑफ दैट चाइल्ड इज इंक्रीज्ड। नाउ वी विल कम टूवर्ड अवर टूडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज लिटरली मीनिंग द वॉल ऑफ सेल। लेट्स कम टू नो, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब सेल वॉल किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, उनके नाम यहाँ मैंशनड है, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया। अपने फाइव किंगडम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स पड़े हैं, उन्हीं में से ये ऑर्गेनिजम्स भी हैं। प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के जो भी सेल्स होंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सम ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव सेल वॉल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में, जिनके सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं कि एनिमल्स क्या हैं। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल। काउ, डॉग, रैट एक्सेट्रा आर द एनिमल्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मीन अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना दैट आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यू हैव स्टडीड बिफोर। अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल सेल के अंदर किस जगह पे प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल्स लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस पॉइंट इज ट्रिकी। नॉर्मली सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर है जिसे आप कहते हैं सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई सबके अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन इसके बाहर वाली साइड पे एक एडिशनल लेयर है जिसे आप कहेंगे सेल वॉल, जो कि प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फंक्शन टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल। सेल के इनर लिविंग मैटर को जो फंक्शंस प्रोवाइड करती है, वो फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन ये है कि सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। जैसे आपके कमरे की दीवार जिस शेप में होगी, वैसा ही आपका कमरा भी होगा। सेम लाइक दैट, जिस तरह की सेल वॉल होगी उसी तरह की शेप सेल की भी होगी। स्ट्रेंथ, सेल वॉल प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द इनर लिविंग मैटर। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे आपके कमरे की दीवार आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा रही है, उससे आपको छुपा के रख रही है, दैट इज समहाउ अ प्रोटेक्शन। सपोर्ट, सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल्स मटीरियल। अब हम बात करते हैं इनर लिविंग मैटर यानी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल की मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज एनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स एटसेट्रा। जब हम सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड ना करें और सेल के बाकी सारे कंटेंट्स को देखें, तो उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी सपोज कर लें कि सेल मेम्ब्रेन को हम माइनस कर दें और सेल के जो बाकी मटेरियल्स होंगे, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल्स, उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे और वो एक लिविंग पार्ट है सेल का। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल किन केमिकल्स या किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे प्लांट्स की सेल वॉल किस केमिकल से मिलकर बनी हुई, तो उसका नाम है सेलुलोज। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनी हुई है। अगर आप अपने डेली लाइफ में देखना चाहें कि काइटन कहाँ प्रेजेंट है, आप देखते हैं कि डिफरेंट इंसेक्ट्स, आर्ट्स आपके इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। उन आर्ट्स की जो स्किन है, जो आउटर लेयर है, वो काफ़ी हार्ड होती है। बेसिकली वो हार्डनेस जो है, वो इसी काइटन की वजह से ही होती है। उनकी बॉडी की जो लेयर है, वो काइटन से मिलकर बनी होती है, और उसी चीज़ की ही फंजाई की सेल वॉल है। प्रोकैरियोट्स, पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन एक कम्प्लेक्स है, यानी एक मॉलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कि शुगर्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, उसे आप कह रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आप देख सकते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों यहाँ प्रेजेंट हैं, और दोनों में डिफरेंस देखिए। प्लांट सेल के बारे में अगर आप देखें राइट साइड पे, तो सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। अगर आप लेफ्ट साइड पे हैं एनिमल साइड पे, तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में नहीं होती। तो आप देख लें कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, पर एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ सेल वॉल। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट इज प्राइमरी वॉल। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल, एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की, उसे आप कहते हैं प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल, पर वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड द सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी वॉल। सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जाम्पल जैलम सेल्स, हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल्स। इट इज मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन। कुछ सेल्स यानी जाइलम सेल्स में प्राइमरी वॉल्स के अंदर वाली साइड्स पे, इनर टू द प्राइमरी वॉल्स, देयर इज अनदर वॉल प्रेजेंट दैट इज सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे एक और वॉल प्रेजेंट है, जिसे आप कह रहे हैं सेकेंडरी वॉल्स, और वो बनी होती है लिग्निन की। लिग्निन भी सेलुलोज की तरह एक केमिकल है, जो उस वॉल को काफ़ी ज़्यादा थिकनेस देता है। लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। द आउटर मोस्ट लेयर इन द सेल इज प्राइमरी वॉल, एंड द वॉल
इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज सेकेंडरी वॉल। अगर आप सेल को देख सकते हैं जिसकी मेम्ब्रेन को एक ब्लू लाइन से मार्क किया गया है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। यानी सबसे बाहर है प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। अब टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं। जब भी किसी मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करनी होती है, तो वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसी चैनल के थ्रू, किसी डोर के थ्रू ही पॉसिबल है। और जो प्लांट्स के सेल्स के इन बिटवीन वॉल्स में कुछ डोर्स प्रेजेंट हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को पॉसिबल बनाते हैं, उनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स थ्रू विच साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। यानी कुछ सेल्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं और उनकी जो सेल वॉल्स हैं उनमें कुछ पोर्स हैं, कुछ सुराख्स हैं जो कि एज अ गेट काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ तीन सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल वॉल इज मैंशनड, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल आर लेबल्ड। इन बिटवीन द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, इन बिटवीन द वैक्यूल एंड सेल वॉल, इन द साइटोप्लाज्म देयर इज अ ब्लू लाइन मार्क्ड। दिस इज द ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन इज एक्चुअली द पैसेज वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। इफ यू से वेयर द टू सेल्स आर ज्वाइनिंग ईच अदर, देयर इज अ पोर थ्रू विच द मटीरियल इज बींग एक्सचेंज। दिस पोर इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ पोर, अ स्ट्रक्चर दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द adjacent cells. Now come to the second topic of today's lecture, that is cell membrane. हमने बात की कि normally cell के बाहर एक cell membrane होती है और उस membrane के बाहर cell wall present होती है। आइए cell membrane के बारे में जानते हैं। All prokaryotic and eukaryotic cells have thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे आप कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि काफ़ी पतली मेम्ब्रेन है और काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लोकेशन, कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होती है सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटसाइड्स ऑफ एनिमल सेल्स, यानी एनिमल सेल्स की तो ये बाउंड्री है, यानी जो उसकी आउटसाइड एनिमल सेल्स की उसकी फॉर्मेशन में सेल मेम्ब्रेन का रोल है। प्लांट सेल मेम्ब्रेन आर फाउंड बिटवीन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेल वॉल साइटोप्लाज्म के दरमियान में जो मेम्ब्रेन है उसे आप कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल वी से देम एज सेल मेम्ब्रेन्स। जब भी हम सेल की मेम्ब्रेन्स के बारे में कलेक्टिवली बात करेंगे कि उसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन्स। मे बी इट इज़ 1, 2 और 3। जितनी भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वी सेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी हम सेल की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स रिकॉल, जब हम सेल की सारी मेम्ब्रेन्स के बारे में इकट्ठा बात करेंगे एक ही दफा, तो उसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन्स। जब हम स्पेसिफिकली आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स नो द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट फंक्शंस एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। In this way, the cell membrane maintains the internal composition of cell. We should first know the meaning of semi-permeable membrane. Semi means half, permeable means allowing, permitting to go through or to pass through. Barrier means a hurdle, a break. एक ऐसी membrane जो कि कुछ molecules को pass through करने के लिए permit करे और कुछ molecules को पास थ्रू करने के लिए परमिट ना करे। यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे दे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त ना दे, उसे आप कहेंगे सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स। यानी सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें ही उस मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर सकती हैं। और
जब सिलेक्टिव चीज़ें ही गुजरेंगी तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वही उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज कोई चीज़ एंटर नहीं होगी। और इस तरह सेल की कंसंट्रेशन, जो इंटरनल कंपोजिशन है, वो मेंटेन रहेगी। इट कैन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। सेल मेम्ब्रेन का एक फीचर यह है कि उसकी सरफेस के ऊपर कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो इनकमिंग मॉलिक्यूल्स, इनकमिंग पार्टिकल्स और इनकमिंग सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तो जिस चीज़ को सेल के अंदर एंटर होना है वही चीज़ सेल के बाहर प्रेजेंट है, वो सेंसर्स उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी को ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास थ्रू करने की परमिशन देंगे, अदरवाइज वो उसे सेल के अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। जब भी सेल के पास कोई ऐसा मटेरियल या कोई ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको सेल की ज़रूरत है, तो वो सेंसर्स उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई करेंगे और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरने के लिए परमिट करेंगे। स्ट्रक्चर, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जब हम केमिकली चेक करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो हम जानते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम सेल मेम्ब्रेन का केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स और किसी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेट्स मूव टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ अ मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हाउ द प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर अरेंज इन टू द लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेट्स हैव अ लुक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हम उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाने के काबिल होते हैं। यानी अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम देखना चाह रहे हों तो उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक सैंडविच की एग्जाम्पल लेते हैं कि सैंडविच के अंदर दो स्लाइसिस होते हैं, एक अपर स्लाइस एंड द लोअर स्लाइस, एंड इन बिटवीन द बोथ स्लाइड्स देयर इज अ कटलेट और समथिंग एल्स दैट यू हैव पुट ऑन इट। सेम वैसे ही यहाँ दो लेयर्स हैं लिपिड्स की, एक अपर स्लाइस की तरह और एक लोअर स्लाइस की तरह। यानी दो लिपिड्स की लेयर्स हैं जिन्हें आप कह रहे हैं लिपिड बाय लेयर, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो दंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। इट गिव्स फ्लूडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। यानी कि जो बाई लेयर है लिपिड्स की, ये इस मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो फ्लेक्सिबल हो, उसकी मूवमेंट पॉसिबल हो सके। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो फाउंड। हमने लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात कर ली, अब बात आ रही है कार्बोहाइड्रेट्स की कि थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है जो कि फ्री तो नहीं है लेकिन इन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। दीज आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स थ्रू अ बॉन्ड इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर लिंक्ड विद द लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन इट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड्स के साथ अटैच्ड होंगे या फिर प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होंगे, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। इन यूकेरियोटिक सेल्स, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स में डिफर करती हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन लिपिड बायलेयर, स्पेसिफिकली इन यूकेरियोट्स कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा इस लिपिड बायलेयर के अंदर, एक एडिशनल चीज़ के तौर पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा। मैनी ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन्स। काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स जिनकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंशनड हैं, उनके सराउंडिंग में भी, उनके अराउंड भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी यूकेरियोट्स की स्पेसिफिसिटी ये है कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल एक एडिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और यूकेरियोट्स के सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यू कैन सी देयर आर टू लेयर्स इन द अपर लेयर एंड द लोअर लेयर इन द पिंक कलर।
देयर आर स्मॉल बोल लाइक स्ट्रक्चर्स अपर लेयर एंड द लोअर लेयर. ऑन द लेफ्ट साइड इट इज मेंशनड, इट इज लेबल्ड एज लिपिड बाय लेयर, यानी ये लिपिड की वो दो लेयर्स हैं. जैसे हमने बात की कि सैंडविच है कि उसका अपर स्लाइस है और लोअर स्लाइस है, वैसे ये दो लेयर्स हैं. अगर आप देखें तो इसकी राइट साइड पे आप इसके ऊपर देखें तो लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स हैं, यानी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और वो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी अटैच्ड हैं. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं. अब ये जो एक ऊपर बम्प सा बना हुआ है इस मेम्ब्रेन की अपर साइड पे, उसे हम कहेंगे प्रोटीन्स. अब यहाँ के कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं. कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ के ब्लू लाइन में एक इररेगुलर सी लाइन है, वो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं, तो उन्हें हम कह रहे हैं ग्लाइको प्रोटीन्स. अब लेफ्ट साइड पर आप देखें तो जो लिपिड्स की लेयर है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स उसी तरह एक ब्लू इररेगुलर लाइन के शेप में प्रेजेंट हैं, यानी ये अटैच्ड हैं कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ, उनको हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स. यानी यहाँ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, लिपिड्स भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी. यू कैन सी द येलो प्रोटीन्स दैट आर एक्चुअली द गेट्स दैट अलाउ द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. अगर आप देखें तो यहाँ लोअर राइट साइड पे एरो शेप्ड कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कोलेस्ट्रोल, जो कि सिर्फ यूकेरियोट्स में ही प्रेजेंट होंगे. अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा एडवांस फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी. अब यहाँ पे दो लेयर्स वैसे ही प्रेजेंट हैं लिपिड्स की. अब यहाँ लिपिड्स की लेयर्स येलो कलर में प्रेजेंट हैं, अपर लेयर ऑफ द लिपिड एंड द लोअर लेयर ऑफ द लिपिड. देयर आर टू मैनी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द पिंक कलर एंड द प्रोटीन्स आर अटैच्ड विद द चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इफ यू सी द पिंक कलर प्रोटीन इज अटैच विद द ब्लू कलर्ड चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स. एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द पिंक कलर प्रोटीन दैट इज एम्बेडेड इन टू द लेयर इज अटैच्ड विद द चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स. एंड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज लेबल्ड हेयर विच अलाउ द मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल. लेट्स मूव टू अवर थर्ड टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म. इंट्रोडक्शन. साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट. विस्कस मीन्स थिक. सेमी विस्कस मीन्स सम हाउ थिक और सम हाउ नॉट थिक. सेमी विस्कस मीन्स जेल लाइक मटीरियल. सेमी ट्रांसपेरेंट मीन्स कि सम हाउ इट इज ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा मटीरियल जो कि किसी हद तक ट्रांसपेरेंट भी है और जेल लाइक उसकी फॉर्मेशन है. लोकेशन. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेल के अंदर. सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया है वो सारा साइटोप्लाज्म ही कहलाएगा. आइए इसको मजीद देखते हैं. दिस इज अ सेल एंड द येलो एरिया इज साइटोप्लाज्म. वी विल नाउ सी द लोकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. अगर हम इसके राइट लेफ्ट अपर लोअर साइड्स को देखें तो जितना भी यहाँ पे येलो मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म. अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो जो एरिया है न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक वो सारा साइटोप्लाज्म ही कहलाएगा. इसके आप लोअर साइड पे देख लें जो एरिया है न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान उसे भी हम साइटोप्लाज्म ही कहेंगे. यानी आप राइट लेफ्ट अपर लोअर साइड जहाँ से भी देखें ये जो येलो मटेरियल है, येलो जेल लाइक लिक्विड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, वो सारा मटेरियल ही साइटोप्लाज्म कहलाएगा. साइटोप्लाज्म इज फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप. नाउ वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? कंटेनिंग मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स. हमने बात की कि ये जेल लाइक मटेरियल है, उसके अंदर पानी भी प्रेजेंट है. अब इसमें पानी है जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स भी शामिल हैं. अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो उसका मतलब यह है साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शियली डिजोल्व. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसमें पार्शियली या कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं, यानी सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे लेकिन
इधर दे मे बी कंप्लीटली डिजोल्व और पार्शली डिजोल्व इन द साइटोप्लाज्म फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स को एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर रहते हुए ऑर्गेनल्स अपना वर्क करेंगे और इन रिटर्न उसकी आउटपुट सेल के लिए ही होगी। साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ साइट फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने पहले बात की, साइटोप्लाज्म डिफरेंट ऑर्गेनल्स को वर्क प्लेस प्रोवाइड करता है, वैसे ही यहाँ बात की जा रही है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म होता है, और उसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस की जा रही है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। द फूड यू ईट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज इज डाइजेस्टेड टू प्रोड्यूस द एनर्जी दैट योर बॉडी नीड्स। यानी जो खाना आप खा रहे हैं उसका ग्लूकोज बनेगा और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू ग्लाइकोलिसिस ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, जो कि आपके बॉडी में डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ की जाएगी। एंड द टास्क में भी हार्ट ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन, साइट एट्सेट्रा, जितने भी काम सेल ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हुए करेंगे। लेट्स रिकैपिचुलेट द लेक्चर। वो फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द सेल। द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। फिर हमने उसकी कंपोजिशन की बात की कि उसमें ऑर्गेनल्स भी कुछ प्रेजेंट हैं, कुछ ऑर्गेनल्स के अलावा भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। फिर टाइप्स की बात की कि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं। फिर लोकेशन की बात की कि सेल्स बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। फिर फंक्शन की बात की कि वो आपको क्या फंक्शंस सर्व करते हैं। फिर हमने सेकेंडली सेल वॉल की बात की कि सेल के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है जिसे आप कह रहे हैं सेल वॉल। फिर पहले हमने उसको डिफाइन किया, फिर उसकी लोकेशन की बात की कि सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली एक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर एक एडिशनल लेयर है जिसे आप कह रहे हैं सेल वॉल। फिर हमने फंक्शन की बात की, फिर हमने कंपोजिशन और टाइप्स को डिस्कस किया। ऑन द थर्ड वी डिस्कस्ड प्लाज्मोडेस्माटा दैट आर द पोर्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। फिर हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की कि सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है, जो कि सेल की शेप को मेंटेन करती है। उसकी हमने डेफिनेशन देखी, लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। स्पेसिफिकली उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लिपिड्स का आपस में कुछ ना कुछ लिंक होता है, और वो ग्लाइको लिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन्स भी बनाते हैं। साइटोप्लाज्म की बात की आखिर में कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। उसकी कंपोजिशन की बात की कि उसमें पानी होगा जो कि एक जेल लाइक मटेरियल है, और उसमें कुछ साल्ट्स भी होंगे, सेल ऑर्गेनल्स भी पड़े होंगे, और सारा मेटाबॉलिज्म भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हुए सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट करेंगे। नाउ वी विल रिव्यू द लेक्चर बाय सम इम्पोर्टेंट MCQs। लेट्स मूव टू द फर्स्ट MCQ। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। फंजाई की सेल वॉल किस केमिकल की बनी होती है? सेलुलोज, लिग्निन, काइटन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। एंड द आंसर इज काइटन। सेकेंड MCQ इज प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ। जो प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल है वो किस मटेरियल की बनी होती है? सेलुलोज, लिग्निन, काइटन, क्यूटिन। एंड द आंसर इज सेलुलोज। थर्ड MCQ विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कौन सी चीज नहीं पाई जाती? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, DNA एंड लिपिड्स। आपको पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट नहीं होता। यस, द आंसर इज DNA। फोर्थ MCQ, सेल वॉल इज फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट। सेल वॉल इन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है मां सिवाय प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई।
सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है, बैक्टीरिया में भी और फंजाई में भी होती है, एनिमल्स में नहीं होती। एंड द करेक्ट आंसर इज एनिमल्स। फिफ्थ एमसीक्यू, साइटोप्लाज्म कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बोथ द ऑप्शन, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ, बिकॉज द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इट्स अ टाइम फॉर असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू एट होम। लेट्स रिव्यू द क्वेश्चंस। राइट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में बताएं। इसकी हमने बात की, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। ये सेल वॉल के दो टाइप्स हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की। डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके। डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब भी करेंगे और उसके डायग्राम भी बनाएंगे। क्लैरिफाई दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन आर टू डिफरेंट टर्म्स, इसके बारे में हमने स्पेसिफिकली क्लियर किया था। राइट कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन बताएं। ये हमने भी रिसेंटली बात की कि उसमें वाटर होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी। इट कम्स टू एन एंड। आई होप यू हैव लर्न अलॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।